असल डियर स्टूडेंट्स आई एम अताउर आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी इन एमडीट सेशन डियर स्टूडेंट टूडेस ए प्लस टू टिकल डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द बोर्ड फर्स्ट क्वेश्चन इज आर इज मार्क अल्फा बाम बीटा बाय द एबसेंस ऑफ राइबोसोम बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस्टरनी डेल्टा बाय द एबसेंस ऑफ क्वेश्चन है कि आर ई आर किस से मार्क्ड है आर आर का सो आर आर एंड एज अ होल जो रेटिकुलम है दिस वन इज द न्यूक्लियस जिसमें उसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन है और आउटर और इनर डिफरेंट प्लेसेस पर कनेक्टेड है जहां पर क्या बनता है न्यूक्लियर पोर बनता है और इसके साथ एक नेटवर्क ऑफ चैनल अटैच है कॉल्ड एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम दिस वन कॉल्ड इट्स अ रेटिकुलम। अब इस नेटवर्क ऑफ चैनल में जो डिफरेंस है वो इनकी अपेयरेंस का है और टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिकुलम है वन इज कॉल्ड एज एसर सेकेंड इज कॉल्ड एज आर ई आर और इन दोनों में डिफरेंस अगर आप देखें जिसे हम कहते हैं दिस इज द आर आर एंड दिस वन इज द एस आर सो आर आर किस से मार्ग है यानी इसको रफ क्यों कहते हैं सो बिकॉज ऑफ राइबोसोम है सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा बाय द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम बीटा बाय द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम तो वो एस आर के रेफरेंस से है चार्ली है बाय द प्रेजेंस ऑफ सिस्टर्नी तो सिस्टर्नी मेम्ब्रेन एज अ होल एस सी आर और आर आर

ट्रांसमिशन स्ट्र्ली फिनिशिंग एंड डेल्टा ट्रांसपोर्ट पॉइंट यह है कि फॉलोइंग जो पॉइंट गिवन है ऑप्शन में ये तमाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फंक्शन ऑफ एस को एक्सेप्ट कौन सा नहीं कर रहा सो एस सी का जो फर्स्ट फंक्शन है वो इंपल्स ट्रांसमिशन है और वो मेंशन मैं कहा बीटा में सेकंड जो फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन और वो मेंशन है ऑप्शन नंबर अल्फा में थर्ड फंक्शन इसका ट्रांसपोर्ट है और वो मेंशन है कहां पे डेल्टा ट्रांसपोर्ट और एक और फंक्शन फोर्थ भी है लिपिड मेटाबॉलिज्म लेकिन वो ऑप्शन मेंशन फंक्शन है किसका गोल्जी ऑपरेटर्स का सो राइट वन इज द्ली बिकॉज यहां क्वेश्चन है एक्सेप्शन का क्वेश्चन नंबर थ्री है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ आरएनए प्रोटीन इन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट एल्फा निक्लुलाय बीटा राइबोसोम्स अब पॉइंट यह डिफरेंट जो ऑर्गनल है इनमें वो कौन सी ऑर्गेनल है जिसमें ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट है किसकी आरएनए की और प्लस प्रोटीन की तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गनेल की क्या कंपोजिशन है फर्स्ट है न्यूक् सो न्यूक्ल जो है इट इज बेसिकली मेडअप ऑफ डीएनए एंड प्लस प्रोटीन बिकॉज यह स्पेसिफिक रीजन है क्रोमेटिन मटेरियल का जिसको हम न्यूक्लोलस कहते हैं जिसमें थ्रेड है इस तरह से और इन थ्रेड में टू डिफरेंट मॉलिक्यूल है लेकिन इन दोनों की इक्वल अमाउंट नहीं है और क्रोमोसोम में अगर हम देखें तो डीएनए एग्जिस्ट करता है और प्लस क्या है प्रोटीन है जबकि क्वेश्चन में बात की गई है ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आर एन एन प्रोटीन इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती बीटा है निक्लोसोम्स so, है ये डिफरेंट हमने पढ़े थे कि एट हिस्टोन प्रोटीन होंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट और डीएनए स्ट्रैंड विद टू हंड्रेड निक्लोटाइड वो इनके अराउंड ऐसे क्या होगा क्वाइल होगा दिस इज कॉल्ड एज निक्लोसोम और इसमें भी क्या है इसमें डीएनए है और प्लस इसमें क्या किस कर रही है प्रोटीन जबकि क्वेश्चन में बात की गई है आरएनए एन प्लस प्रोटीन किसका मतलब है बी ऑप्शन भी राइट नहीं है शार्डली है क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम अगर हम देखें तो दे आर मेड अप ऑफ अगेन डीएनए एन एन प्लस प्रोटीन जबकि क्वेश्चन है रिगार्डिंग द आरएनए इन प्रोटीन सो इसका मतलब है कि जो शार्ली ऑप्शन है वो भी करेक्ट नहीं है डेल्टा राइबोसोम ribosome. तो राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ चुके एक लार्जेस्ट सब यूनिट है सेकंड जो है वो क्या है स्मॉलर सब यूनिट है एंड बोथ आर मेड अप ऑफ आरएनए एन प्लस प्रोटीन और इक्वल अमाउंट है 42 50% इसमें आरएनए और इतनी ही अमाउंट में इसमें क्या होता है प्रोटीन एग्जिस्ट करती है सो राइट ऑप्शन क्या है डेल्टा राइबोसोम क्वेश्चन नंबर फोर है राइबोसोम्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द थ्रू अल्फा न्यूक्लियर न्यूक्लियर पोर्स बीटा मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डेल्टा न्यूक्लियर अब जो राइबोसोम्स हैं वो कहां बनते हैं न्यूक्लियस के इनसाइड एक डार्कली स्टेन एरिया है दैट इज कॉल्ड एज न्यक्लोलस एंड दिस न्यूक्स इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सो राइबोसोम्स यहां बनेंगे और ये मूव करेंगे टुवर्स द साइड और कैसे मूव करेंगे बाय क्रॉसिंग द न्यूक्लियर पोर्स सो राइट ऑप्शन इज द न्यूक्लियर पोर्स मिम्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे चार्ली ऑप्शन है एंडो तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे और डेल्टा है निक्लुलाई तो निक्लाई में वो बन रहे हैं ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट right? नहीं है राइट वन इज द अल्फा क्वेश्चन नंबर 5 है निक्लस ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजिशन इन एल्फा बेक्टीरियल सेल बीटा एनिमल सेल्स चार्ली प्लांट सेल्स एंड डेल्टा प्रोकैरियोटिक सेल्स अब क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियस सेंटर में एग्जिस्ट करता है और ये सेंट्रल पोजीशन किस सेल में है सो so, अगर हम देखें डिफरेंट सेल्स को तो एनिमल सेल के सेंटर में क्या है न्यूक्लियस है दिस वन इज द एनिमल सेल और अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के सेंटर में एग्जिस्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्वियसली न्यूक्लियस नहीं है वो बेसिकली क्या है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है इसका मतलब है कि प्लांट सेल राइट ऑप्शन नहीं है फिर अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल की तो उसमें तो न्यूक्लियर होता ही नहीं है उसमें क्या है बेसिकली न्यूक्लियर रीजन है इसलिए बैक्टीरियल सेल भी ठीक नहीं है और डेल्टा बेसिकली बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक है तो डेल्टा भी राइट right नहीं है राइट वन इज द बीटा एनिमल सेल्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है इन एनिमल सेल्स द कैपेबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इज हेल्ड बाय एल्फा राइबोसोम्स बीटा माइटोकोनिया स्टार निकल प्लास एंड डेल्टा न्यूक् एनिमल सेल जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के इन साइड यहां पर मोलिक्यूलोसोम और विद इन द्रोमेटिन मटीरियल अब पॉइंट यह है कि एक्स्ट्रा यानी इस पॉइंट से हटकर कहां पर है तो वी नो दैट हटकर जो ऑर्गनेल है वो है माइटोकोनिया जिसके इन साइड क्या होता है इसमें इसका अपना डीएनए एग्जिस्ट कर रहा है दिस वन इज द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और यहां पर क्या यहां पर डीएनए है सो so, एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियस से हटकर वो कहां पे होती है विद इन माइटोकॉन्ड्रिया सो राइट ऑप्शन इज द बीटा अल्फा राइबोसोम तो राइबोसोम में डीएनए नहीं है उसके पास आरएनए एग्जिस्ट करता है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में डीएनए एग्जिस्ट करता है लेकिन वो एनिमल सेल में नहीं होता जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल में है इसलिए श्र्डी ऑप्शन राइट नहीं है और डेल्टा है न्यूक्लोलाय न्यूक् न्यूक्लियस का ही एक रीजन है इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है क्वेश्चन नंबर सेवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ अड स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेल अल्फा क्रोमोसोम बीटा न्यूक्सोम श्रल्डी डेल्टा पोलिसोम पॉइंट ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ अड स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेल अल्फा देखिए क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम बेसिकली नेटवर्क ऑफ थ्रेड है

मल्टीपल क्या है राइबोसोम अटैच है सो ये जो दे रहा है ये बेसिकली क्या है स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है सो दैट्स कॉल्ड इट्स अ पॉलिसोम सो आंसर क्या होगा इसका पॉलिसोम एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन क्वेश्चन नंबर एट है द स्टैक ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेन बॉल सैक इन यूकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट्स द अल्फा

क्वेश्चन नंबर नाइन है सिस्टर्नी फॉर्मिंग वेजिकल्स ओरिजिनेट फ्रॉम अल्फा गोल्जी ऑपरेटर्स बीटा आर सी एस आर डेल्टा आर ई आर है एस फॉर्मिंग वेजिकल्स ओरिजिनेट फ्रॉम यानी सिस्टर्नी वेजिकल फॉर्मिंग कहां से ओरिजिनेट होती है अगर हम अल्फा देखें गोल्जी ऑपरेटस तो यहां से जो वेजिकल ओरिजिनेट हो रही है वो बना रही है लाइसोसोम हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम यानी यह यहां पे जो वेजिकल है वो सिस्टर्नी फॉर्मिंग वेजिकल नहीं है वो फॉर्मिंग है इसलिए आंसर नहीं हो है, नहीं, इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं है, एसी यार, एसी यार से बनती है और इस वेजिकल को हम कहते हैं टी ई आर दैट मीन ट्रांसपोर्टिंग वेजिकल ऑफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम

इस पूरे क्रोमोसोम में वो रीजन जहां पे बाइंड होते हैं स्पिंडल फाइबर्स वो बेसिकली ये सेंट्रल पार्ट है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं और इस सेंट्रोमियर में फर्दर जहां पे अटैचमेंट होती है वो पॉइंट लाता है स्पेशलाइज प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं कनाइटोकोर प्रोटीन बट रीजन ऑफ जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर है, है इसमें बीटा सेंट्रोमियर अल्फा सेंट्रोसोम है एंड व्हाट इज सेंट्रोसोम

क्वेश्चन नंबर के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन नंबर इलेवन है द द द सिस्टर्नी इन होल स्टैक ऑफ गोल्जी मूव फ्रॉम अल्फा आउटर टू द इनर फेस बीटा इनर टू द आउटर फेस चार्ली है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन और डेल्टा है सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें गोल्जी ऑपरेटस का वी नो दैट फॉर्मेशन कैसे होती है एस ई आर और यहां फ्यूज करके बना रही है क्या वेजिकल ऑफ गोल्जी एज अ कंप्लीट जो स्टैक बेसिकली कन्वेक्स भी होता है और इस हट का जो दूसरा एंड है जिसको हम मेचोरिंग फेस कहते हैं वो बेसिकली क्या है कंकेव है और इसको

और इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं कर रही सो इट्स मिमब्रेन लेस राइट ऑप्शन सिंगल है ना टू है सो न्यूक्लियस किसमें है जो न्यूक्लाई है वो प्रोकैरियोट में एग्जिस्ट नहीं करेगी और डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स इज ब्लैंक

और फिर सुक्रिशन को आउटसाइड रिलीज कर देगी यानी इस पूरे पाथवे में अगर वो किसकी मिमब्रेन से पास नहीं कर रही तो बेसिकली वो क्या राइबोसोम्स है बिकॉज उनकी होती ही नहीं है सो राइट ऑप्शन इज द एल्फा क्वेश्चन नंबर है लाइसोसोम्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर साइडोप्लाजमिक ऑर्गेनेल ड्यू टू देयर अल्फा कंपोजिशन बीटा मॉर्फोलॉजी स्टार्ली एनेटमी एंड डेल्टा मेम्ब्रेन सो राइबोसोम्स और अदर ऑर्गेनेल का डिफरेंस क्या है राइबोसोम इज ए नॉन मिम्रेनस वाइल जो लाइसोसोम और जो अदर ऑर्गेनैल है वो क्या है? है इसका मतलब है कि लाइसोसोम और अदर ऑर्गनेल का एक रिलेशन है बिकॉज ऑफ द मिम्ब्रेन उनकी आउटर जो एनेटमी है वो सिमिलर होगी बिकॉज मिम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिमिलर है और वो फॉसोलिपिट बायलेयर है इसका मतलब है कि एल्फा कंपोजिशन ये डिफरेंट नहीं है डिफरेंट मिम्ब्रेन की बिकॉज वो सिंगल मिम्ब्रेन बाउंडेड है चाड़ लिये तो मिम्ब्रेन की एनोटमी सिमिलर है इसलिए इस वे से भी से नहीं करेगी डेल्टा है को बताया कि रेफरेंस से डिफरेंस नहीं है मॉर्फोलॉजी बिकॉज ऑर्गेनेल का साइज इक्वल है और ज्यादा वेरी करती है फ्रॉम जीरो पॉइंट वन टू 1.2 माइक्रोमीटर सो व्हाई राइट आंसर इज द बीटा क्वेश्चन 16 है लाइसोसोम फॉर द फर्स्ट टाइम अल्फा पेलेडे

अल्फा ऑप्शन राइट एग्जैक्ट नहीं होगी बिकॉज डेल्टा में मेंशन है अगर लासी को रिमूव कर दिया जाए तो फिर आप कह सकते हैं अल्फा ऑप्शन राइट हो सकती है लेकिन चूंकि डेल्टा में मेंशन है इसलिए जो राइट right ऑप्शन है वो क्या है डेल्टा है बीटा है डिक्टियोसोम गोल्जी बोर्डिस को डिक्टियोसोम कहा जाता है और ये एंजाइम विद इन डिक्टियोसोम नहीं होते इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं है चार्ली है तो पर में परऑक्सीडेज एंजाइम है इसलिए चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं है

टिकुलम देन गोल्डी बॉर्ड इज उससे क्या बन रहा है लाशोसोम बन रहा है और इसी में जो वेजिकल बनी है सिर्फ उसको अगर हम देखें दिस वन इज कॉर्ड एस इट्स प्राइमरी लाशोसोम अब ये लासी डिफरेंट फंक्शन करेगा और कौन कौन सा फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल अगर ये लासी जो सेल और गैल है उसको इंगल्फ करे तो हम कहते हैं बेसिकली क्या है? ये ऑटोफेग्रोसोम है सो दिस वन इज द ला और इसने इंटेक किया किस चीज को ओल्ड ऑर्गेनेल को अब यही यहां पर ये पॉइंट है कि ऑर्गेनेल को कौन इंगल्फ कर रहा है तो बेसिकली वो क्या है वो प्राइमरी लाइसोसोम है और कन्वर्ट हो रहा है किस इन द ऑटोफेगोसोम जिसे हम कहते हैं कि वो सेकेंडरी लाइसोसोम है सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली वाइल जो अल्फा ऑप्शन है फेगोसेटिक वेक्यूज ये कब बनेगा जो फूड पार्टिकल इंटेक हुआ है दिस वन इज द फूड पार्टिकल ये इंटेक होगा विद हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस

आपको बताया कि जब फेकोसिटिक वेक्यूल के साथ फ्यूज करेगा प्राइमरी लासेसोम तो क्या बन जाएगा दिस विल कन्वर्ट इन टू डाइजेस्टिव वेक्यूल तो डिराइव कहां से हुआ फ्रोम प्राइमरी लासेसोम राइट ऑप्शन इज द एल्फा क्वेश्चन नंबर 20 है

उनको जो फर्दर जो है डीकम्पोज करेगा या करेगा तो वो बेसिकली कराएगा और है, फेगोसिटिक वेक्यूल, जो वेक्यूल बना है विद वो फेगोसिटिक वेक्यूल है और उस वेक्यूल के अनुसार डिफरेंट कॉम्पोनेट हो सकते हैं दिस वन इज द फेगोसेटिक वेक्यूल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हैल दैट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेजम इज एल्फा सेंट्रोसोम ियम इजीरिया जब एंटर होगा हो तो वो कौन सी ऑर्गेइन है सेल जो सेल को प्रोटेक्ट करेगी इस इनवेडिंग ऑर्गेजम से तो बेसिकली वो क्या है लासीसोम है जो अपने डिग्रेड कर देगी so लासी क्या है

मेम्ब्रेन और जो इन साइड मटीरियल है उसको आउटसाइड रिलीज कर देगी वो बेसिकली क्या है बेसिकली है है बिकॉज जो बीटा ऑप्शन वो तो डिजेस्ट कर रही है अपने ही और नैल को इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती हेट्रोफेकोसोम है, हेट्रोफेगोसोम है, भी डिफरेंट जो मटीरियल इन टेक इन हुआ है उसको डिजेस्ट करेगी उसको डिकम्पोज करेगी इसका मतलब है हेट्रोफेकोसोम भी आउटसाइड रिलीज नहीं कर रही और डेल्टा है

डिजनरेशन ऑफ सेल जैसा कि डेवलपमेंट प्रोसेस में होता है और डिफरेंट प्रोसेस कौन से हैं फ्यूज होती हैं लेकिन अब सेपरेट है कहां वो हो जो टेल है वो एम्ब्रोनिक लाइफ में एग्जिस्ट करती है लेकिन एडल्ट में नहीं है वो टेल कहां गई उसको डिजनरेट किया गया और डिजनरेशन में जो सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व बेसिकली लाइसोसोम है सो राइट ऑप्शन इज द्ली डिक्टियोसोम बेसिकली मैंने सिर्फ प्लांट में और सीडलिंग प्लांट और सिर्फ उन प्लांट में जो लिपिड रिच सीड है अदर प्लांट में अदर सीड के प्लांट में एग्जिस्ट नहीं करती डेल्टा है परोक्सिसोम तो पारोक्सिसम प्लांट्स में डिफरेंट एनिमल्स में और यीस्ट में है परोक्सीडेस की फॉर्मेशन और उसको डिग्रेड करना

सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा ग्लाइकोजिन एंड डिजीज आपने पढ़ी एक बॉडी so right तो में नहीं होता इसलिए स्टार्च इंटेक जरूर करेंगे फूड लेकिन बॉडी में स्टोर नहीं होगा बीटा है ग्लाइकोजिन और वेरियस ग्लाइकोप्रोटीन सो ग्लाइकोजिन और ग्लाइकोलिपिड्स है इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं बिकॉज बीटा में ग्लाइकोप्रोटीन लिखा हुआ है चार्ली है स्टार्च तो स्टार्च

वो लाइसोसोमल एंजाइम में है और यहां मेंशन है रिगार्डिंग द डिसऑर्डर इन द लिवर एंड मसल जहां पे क्या हुआ है हुआ है ग्लाइकोजन हुआ तो ग्लैकोजन रिलेट विद सो राइट ऑप्शन इज द बीटा व्हाइल जो है उसमें हमने कहा क्या होता है एंजाइम परऑक्सीडेज होता है चार्ली माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया तो रिलेट विद द सेल एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल हम कहते हैं व्हाइल जो डेल्टा है ग्लाक्सिसोम ये मैंने आपको बताया ये सिर्फ प्लांट ऑर्गेनेल है और प्लांट में जर्मिनेटिंग ऑर्गेनेल है क्वेश्चन नंबर 29 है

इसलिए राइट ऑप्शन है डेल्टा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है ट्रैफिक ऑफ अ सब्सटेंस बिटवीन एंड साइटोप्लाज्म इज कंट्रोल्ड बाय अल्फा न्यूक्लियर पोर्स बीटा न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन और डेल्टा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट में हमने बात की थी कि जो ट्रैफिक है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म और आउटसाइड यहां पर क्या है साइटोप्लाज्म ये कैसे होगी ये ऑब्वियसली यहां से नहीं हो रही दैट्स मीन थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो रही है बेसिकली कहां से हो रही है थ्रू न्यूक्लियर पोर हो रही है राइट ऑप्शन इज द न्यूक्लियर पोर एल्फा क्वेश्चन एंड ब्लैक है पोटैटो एंड टोमेटो सो अगर हम सिमिलर क्रोमोसोम देखें तो वो फोर्टी एट चम्पेजी में एंड ऑल्सो विद इन द पोटैटो फोर्टी एट होते हैं मैन so, right और चम्पेजी में डिफरेंस है मैन में फोर्टी सिक्स और चम्पेन्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है अल्फा प्लांट्स ग्रोथ एंड फ्लावरिंग बीटा प्लांट्स फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग चार्ली प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और डेल्टा है प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सो वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है स्मॉलर जो वेक्यूल्स हैं इनमें कोलेसेंस से क्या होता है लार्ज वेक्यूल होता है तो ये बेसिकली है ड्यूरिंग द प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है एक्सपेंशन ऑफ प्लांट सेल विदाउट डिलोटिंग इट्स साइटोप्लाज्म ज मेड पॉसिबल बायरिटी और डेल्यूट होता है वो किसकी वजह से होता है प्लांट सेल सेंटर में क्या होता है लार्ज वेक्यूल एग्जिस्ट करता है और इस वेक्यूल की वजह से प्लांट सेल जो है वो इंटेक करता है वॉटर को

सेंट्रियोल फॉर्मेशन बीटा सिलिया फॉर्मेशन चार्ली फेग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस और डेल्टा है असेंबली डिसअसेंबली ऑफ द स्पेंडल स्ट्रक्चर है यह पॉइंट पूछा हुआ कि वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन सो इन तमाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली

राइट ऑप्शन इज द एल्फा वेल जो माइक्रोट्यूस है माइक्रोट्यूज इनवोल्व इनफॉर्मेशन ऑफ देंट्योलो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेल वेल चलिए माइक्रोफिल्स माइक्रोफिल्स इनवोल्व

आउटर मेम्रेन इस तरह से यहां पर इनर मिमब्रेन ये पॉइंट वन है एंड दिस इंडिकेट द पॉइंट टू और यह बेसिकली अगर देखें तो यह मैट्रिक्स और यह क्या बनेगा आउटर कंपार्टमेंट बनेगा सो राइट ऑप्शन इज द शार्ली आउटर कंपार्टमेंट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है इनर चैंबर ऑफ माइट्रियन इज कॉल्ड एल्फा क्रिस्टी वीटा स्ट्रोमा शार्ली मैट्रिक्स एंड डेल्टा सिस्टरनी अब डिफरेंट पार्ट में अगर हम देखें तो दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन दिस वन इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोको एंड विद इन द इनर मेम्ब्रेन जो इन फोल्डिंग क्या है ये बेसिकली क्रिस्टा है और इस क्रिस्टा पे क्या होता है फर्दर नो ब्लाइक स्ट्रक्चर इस हम कहते हैं एफ वन पार्टिकल और इसके इन साइड ये जो सारा मेटेरियल कहते हैं ये मेट्रिक्स है क्या है, matrix है। so, अब अगर आप देखें राइट ऑप्शन right वो क्या है शार्डली मैट्रिक्स बिकॉज क्वेश्चन पूछा हुआ है

कि दोनों का जो ओरिजिन है वो सिम्बियोटिक है दोनों में दो मिम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है बिकॉज बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेल और दोनों ही क्या है सेल्फ एप्लीकेटिंग ऑर्गेल भी है लेकिन दोनों ऑर्गेल में शुगर मोलिकुलसाइज नहीं होता बिकॉज क्लोरोप्लास्ट में वो सेंसाइज होगा और माइट्रोकोडियम में वो ब्रेक डाउन होगा सो डिफर किस बेस पे कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ द डेल्टा बोथ आर कैपेबल टू सेंसाइज शुगर इनमें डिफरेंस है अल्फा बीटा और सिमिलरिटी है क्वेश्चन नंबर फोर्टी है इन क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्यूल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडिकल अल्फा अरे ऑफ नाइन टब्यूल्स बीटा अरे ऑफ नाइन चार्ली है अरे ऑफ थ्री माइक्रोट्यूल्स और डेल्टा है अरे ऑफ थ्री टब्यूल्स अब अगर हम देखें सेंट्यूल को तो इसमें टोटल जो अरेंजमेंट है वो नाइन माइक्रोट्यूल्स की है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन राइट ऑप्शन इज द बीटा अ डिवाइडिंग सेल द टोटल नंबर ऑफ टिब्यूल इन कारपोरेटेड विल बी देंट्यल्फा नाइन बीटा ट्वेंटी सेवन शार्ली फिफ्टी फोर एंड डेल्टा वन जीरो हमने बात की थी वन सेंट्यूल और इसमें सिलेंड्रिकल एरिस नाइन माइक्रोटिब्यूल्स का और इनमें से अगर सिंगल को अगर हम देखें तो इसमें थ्री टिब्यूल हैं अब अगर हम कैलकुलेट करें सिंगल सेंट्यूल में कितनी होगी तो नाइन मल्टीप्लाई बाई थ्री टू ट्वेंटी सेवन तो एक सेंट्यूअल में होगी ट्वेंटी सेवन और इन द नॉन डिवाइडिंग सेल सेल में दो सेंट्यूल होते हैं दैट्स मीन नॉन डिवाइडिंग सेल में ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन कितनी हो जाएंगी फिफ्टी फोर क्या होंगी टिब्यूल्स होंगी

राइट right ऑप्शन है डेल्टा क्वेश्चन नंबर थ्री है मैट्रिक्स कंटेन इन इट अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स एन एरोबिक रेस्परेशन डेल्टा फैटी एसिड मेटाबोलिज्म अब जो माइट्रोकोडिया है एज अ होल अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंट एंजाइम्स हैं और जो प्रोसेस इनमें होता है वो क्रब्साइकल है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है एन मेटाबॉलिज्म है लेकिन ग्लाइकोलाइसिस नहीं है बिकॉज पे होंगे इसलिए जो right है, वो क्या है? बीटा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है द स्पेंट एनर्जी विच इज इन फॉर्म ऑफ एटीपी इज रीजनरेटेड बाय अल्फा क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड डेल्टा राइबोसोम्स जो एनर्जी यूज हो गई है

टू टू फोर नैनोमीटर बीटा वन टू थ्री नैनोमीटर चार्ली है वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास इज ऑक्यूपाइड बायसिकली वो स्ट्रोमा है जो बेसिकली क्या है उसका अगर हम देखें दिस वन इज दउटर मेम्रेन Membrane है और बाकी सारा क्या है? वो स्ट्रोमा का है सो मोस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द स्ट्रोमा सो राइट ऑप्शन इज दार्ली क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन है इन स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरप्लास ब्लैंक एंड ब्लैंक आर सेंसाइज एल्फा एटीपी एंड शुगर बीटा एटीपीस एंड प्रोटीन चार्ली शुगर एंड प्रोटीन डेल्टा शुगर एंड लिपिड सो इन स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहां पर बेसिकली क्या होता है दो इवेंट है एक तो है डार्क रिएक्शन और इसके रिजल्ट में क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट दैट्स मीन शुगर और प्लस यहां पर राइबोसोम है तो यहां पर क्या होगा प्रोटीन्स भी क्या होगी सेंसाइज होगी सो राइट ऑप्शन इज दर शार्डली शुगर एंड प्रोटीन क्वेश्चन नंबर एट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ फोलविंग बायोलिक्यूल्स एक्सेप्ट एल्फा लिपिड्स बीटा, DNA, नहीं हैल है, तो है, -like है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है तो डीएनए भी है आर एन ए भी है वहां बनता है और प्रोटीन भी है लेकिन वहां पर लिपिड एग्जिस्ट नहीं करतीड कहां पर होगी ओनली बदन दनब्रेन इन साइड एग्जिस्ट नहीं करेंगे so right

सो so, न्यूक्लियस के दो पार्ट हमने पढ़े थे एक उसका सेंट्रल पार्ट है और उसका पेरिफेरल पार्ट है जो पेरिफेरल पार्ट है वहां पर क्या होता है ग्रेन्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं और सेंट्रल जो फिबरल पार्ट है वहां पे आरएनए है और प्लस आर डीएनए है डी एन एप्शन शार्डली आर आरएनए एंड प्लस आर डीएनए सो विद दिस क्वेश्चन आज की डिस्कशन एंड होती है उम्मीद आपको तमाम तो पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इनको टेस्ट के लिए याद रखेंगे सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट अल्लाह हाफिज